हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आज फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आए हुए हैं होंडा के शोरूम में। तो आज हमारे पास है होंडा की लीवो, जैसा कि देख पा रहे हैं। ये रही होंडा की लीवो न्यू लेटेस्ट वर्जन E20 OBD2 सेंसर के साथ, ये बाइक अभी जो आ रही है। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं, तब तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तो जैसा कि देख सकते हैं फ्रंट में हेलोजन लाइट आपको देखने को मिल जाएगी। इंडिकेटर की बात करें तो काफ़ी फ्लेक्सिबल इंडिकेटर आपको मिल जाएगी। साथ में विंडशील्ड आपको ब्लैक कलर की होंडा वाइट स्टिकर में लिखी हुई आपको मिल जाएगी। और काफ़ी अच्छी इसकी फायरिंग जैसा कि देख पा रहे हैं, वाइट स्टिकर में इसकी फायरिंग आपको ब्लैक और वाइट स्टिकर में देखने को मिल जाएगी। साथ ही में देख सकते हैं नंबर प्लेट की स्टैंड फाइबर में आपको मिल जाएगी। अब चलिए, जैसा कि देख पा रहे हैं मडगार्ड भी आपको काफ़ी अच्छी और हैवी मटेरियल से बनी हुई मडगार्ड आपको देखने को मिल जाएगी। सस्पेंशन की बात करें तो काफ़ी मजबूत आपको सस्पेंशन आपको देखने को मिलेगी और इसमें छोटी सी आपको ये लाइटिंग मिल जाएगी। लाइट पड़ने के बाद इसमें आपको लाइट दिखेगा। टायर की बात करें तो 80/18 टायर आपको मिल जाएगा। साथ ही में इसमें आपको कॉम्बो ब्रेकिंग का सिस्टम आपको देखने को मिल, ये रही इसकी कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम। तो जैसा कि देख पा रहे हैं मीटर आपको डिजिटल में देखने को मिल जाएगा। RPM मीटर, स्पीडो का मीटर, ये डिजिटल में आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें छोटी सी बटन आपको दिया हुआ है सर्विसिंग लाइट या टाइम मिलाने के लिए। स्विचेस की बात करें तो काफ़ी प्रीमियम स्विचेस आपको मिल जाएगी देखने के लिए। जैसा कि देख रहे हैं हॉर्न की स्विच आपको, ये इंडिकेटर की स्विच और ये लाइट की स्विच आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही में सेल्फ और ऑन ऑफ की स्विच आपको एक ही में मिलेगा राइट साइड में, जैसा कि देख सकते हैं। ये भी काफ़ी प्रीमियम स्विच देखने को मिल जाएगी। एस्केलेटर केबल आपको दो ठो इसमें मिल जा रहा है। मिरर्स की बात करें तो मिरर काफ़ी अच्छी मटेरियल से बनी हुई आपको मिरर भी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। E20 जैसा कि देख पा रहे हैं टैंक में लिखी हुई E20 आपको मिल जाएगी। साथ में टैंक की फायरिंग की बात करें तो जैसा कि देख सकते हैं 3D लोगो होंडा लिखी हुई ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ टैंक की स्टिकर की बात करें तो व्हाइट और सिल्वर में आपको स्टिकर भी आपको देखने को मिल जाएगी। साइड कॉल में बात करें तो लीवो व्हाइट और रेड की छोटी सी स्टिकर आपको देखने को मिल जाएगी। सीट आपको काफ़ी अच्छी मटेरियल से, काफ़ी फ्लेक्सीबल आपको सीट देखने को मिल जाएगा। साथ ही में ग्रैब हैंडल की बात करें तो काफ़ी मजबूत आपको देखने को मिल जाएगी। बैक कॉल में आपको भी होंडा व्हाइट कलर में लिखी हुई मिल जाएगी। साथ ही में हेलोजन में आपको ब्रेक लाइट देखने को मिलेगा। साथ ही इंडिकेटर भी काफ़ी फ्लेक्सिबल और ये इसकी रही नंबर प्लेट की स्टैंड जैसे कि देख पा रहे हैं। साथ ही में लेडीज फुटरेस्ट काफ़ी अच्छी आपको मजबूत मिल जाएगी। इसमें छोटे छोटे फ्रेम आपको देखने को मिल जाएगा गार्ड जैसा कि बोल सकते हैं। सस्पेंसर रियर काफ़ी हैवी और मजबूत आपको मिल जाएगा रेड कलर में जैसा कि देख पा रहे हैं। इंजन की बात करें तो इंजन 125 cc का आपको देखने को मिल जा रहा है। काफ़ी रिफाइनिंग और स्मूथ इंजन आपको इसका साउंड भी देखने को मिल जाएगा। हॉर्न आपको एक ही सिंगल मिलेगा। साथ ही में मडगार्ड ये जैसे कि देख पा रहे हैं, लेगार्ड आपको काफ़ी मजबूत आपको देखने को मिल जाएगी। E20 में जैसे कि देख पा रहे हैं ये रही इसकी मोटर की सिस्टम, ये नोजल अभी जो FI में आ रही है ये आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही में छोटी सी सेंसर आपको देखने को मिल जाएगा साइड स्टैंड में। गियर में ये आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाएगा अगर साइड स्टैंड लगा हुआ होगा तो। रियर टायर की बात करें तो 80/18 की रियर में आपको टायर मिल जाएगी। साथ ही में एग्जॉस्ट में जैसा कि देख पा रहे हैं साइलेंसर में छोटी सी पत्ती आपको देखने को मिल जाएगा स्टील की जैसा कि देख पा रहे हैं। इसमें फुटरेस्ट भी काफ़ी अच्छी और हैवी आपको मिल जाएगा। इसमें किक का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इंजन काफ़ी स्मूथ इंजन आपको देखने को मिल जा रही है। इधर भी जैसा कि देख पा रहे हैं होंडा की न्यू बाइक लीवो E20 मॉडल 2023 की मॉडल आपको देखने को मिल जाएगी। इसका लुक पूरा आप लोग देख सकते हैं। माइलेज की बात करें तो 70-75 की माइलेज आपको एवरेज निकाल के दे देगी। ई एक शोरूम प्राइस की बात करें तो 79,200 रुपये आपको ई एक शोरूम प्राइस आपको पड़ेगा। इसमें आपको एक और मॉडल आता है इसका डिस्मा को फ्रंट में मिल जाएगा एक और लीवो यही। इसमें गियर की बात करें तो 4 गियर का ऑप्शन आपको मिल जा रहा है जैसा कि देख पा रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को साथ दबा दीजिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।